हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, फुस्त होंगे, जो होंगे सो होंगे। अभी आपको ये होना है कि ब्रीथ से संबंधित जितने भी एरिया निकालने का जो टेक्निक होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है? तो लिख लीजिएगा हेडलाइन, ब्रीथ यानी कि सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, उस टाइम आपको कॉपी कलम लेके निकालने के लिए बैठेगा तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आप सर्कल को सीख गए तो आप इसका यूज सिलेंडर में कर सकते हो, और कहाँ कहाँ पे कर सकते हो मुझे खुद के नहीं पता क्या बताऊँ आपको कितना पता है। क्या छोड़िए, हम लोग बात करें यहाँ पर सर्कल का। आप देख रहे हो कि सर्कल से कौन कौन सा शेप बन सकता है उसके बारे में मैं एक बता दूँ कि देखिए, सर्कल से आप एक तो सिलेंडर बना सकते हो ऐसे, ठीक है? यहाँ पर आपका सर्कल का यूज हो रहा है। उसके बाद देखो, आप एक कोण बना सकते हो सर्कल से, इसमें भी आपका यूज हो रहा है कि नहीं? आगे बात करें तो सेक्टर भी बना सकते हो आप इसको सर्कल से, सेक्टर। सर्कल का यूज से आप देखते हो यहाँ पे, तो आप माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का भी यूज कर सकते हो। सर्कल से आप चाहो तो पहिया जो होता है आपका, पहिया यानी कि चक्कर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। और कौन कौन सा शेप बच जाएगा? अब सेक्टर तो हो चुका है ना आपका, यहाँ पे सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, और बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है? जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन में हम लोग सर्कल का यूज करते हैं। तो सर्कल का ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऐसा पूछता है आप लोगों से कि सपोज मान लीजिए कि सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा होगा, 14 दे रखा होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 7। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 7 के मल्टीपल में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो जब कभी भी 7 के मल्टीपल में कुछ क्वेश्चन पूछे सर्कल से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम इसका यूज कैसे कर लेंगे उसे समझाना है मुझे आपको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इसका मेन बेसिक फंडा इसी के बारे में था, तो जितना भी टॉपिक है उसे मैं लिख देता हूँ ऊपर, और बाय बाय से समझेंगे। स्पीडिंग में सिर्फ यही बात करना है मुझे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है? समझ गए इतना बात। दूसरा फॉर्म बनाइएगा इसमें, इसमें लिखिएगा व्यास, व्यास को बोलते हैं डायमीटर। ये हो गया आपका। आफ्टर देन लिखते हैं आप परिधि, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर, ठीक है? सॉल्व में लिखता हूं मैं इसको, मुझे पूरा बोर्ड भरना है इसके लिए। लास्ट में आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। सर्कल से जाते इतना ही पूछता है, बाकी जो है उसे हम देख लेंगे। फिलहाल इसमें समझिए आप कि क्या क्या हो सकता है। रेडियस को अगर आप आर से डिनोट करते हो तो व्यास को क्या चीज से डिनोट करोगे? डी से, जिसका वैल्यू होता है 2R, ठीक है? आफ्टर देन परिधि को अगर पी से डिनोट करते हो या फिर सी से, सर्कमफ्रेंस को क्या चीज से करोगे? सी से या फिर पी से कर लोगे, तो ये होता है आपका 2πR। क्लियर बात इतना। आफ्टर देन यहाँ पर बात करें एरिया के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? πR2। ये तो सिर्फ हुआ सर्कल के लिए। अगर हम यहाँ पे बात कर लें अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, ठीक है? अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? रेडियस आपका ये रहने वाला है, यहाँ पे दो चीज़ें और मैं बढ़ा रहा हूँ इसमें, परिधि या फिर परिमाप, पेरीमीटर और इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है? इतना बात का आपको समझ लेना है। अगर एक बार याद कर ली इस चीज़ को, या फिर समझ के आप याद कर ली, तो इसका बाकी सारा का सारा आप ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है? ये दोनों इसके लिए है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, आपको पता है? 22/7 और आर, 22/7 आर, और इसका क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, बाई आर स्क्वायर बाई 2। अब बाई बाई से समझते हैं इस बात को। यहाँ पे ये फॉर्म देखिए कितना काम करेगा ये चीज़। अगर एक बार इसको समझ गए तो समझिएगा आपका मेंस्ट्रुएशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। सपोज आप सबसे पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए कि रेडियस को आपने क्या मान लिया?
आर इक्वल टू सेवन, सेवन यूनिट मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए तो सेंटीमीटर मीटर सब इसी में चले आएंगे आपके। तो अगर रेडियस अगर आपका सेवन है ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, आप जानते हो डायमीटर क्या होता है, डायरेक्ट ट्वाइस हो जाता है, तो क्या कर देंगे आप 14, ठीक है। मैं यूनिट यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, आप सिर्फ समझो कि सेवन है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 पाई आर होता है आपका, यहाँ पे 2 गुने 22 बटे 7, रेडियस के लिए आ रहा है इसे कटता हूँ, कितना आ गया 44 आ जाएगा, क्लियर 44 आ जाएगा। उसी प्रकार एरिया कितना होगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। 154 निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, तो पाई आर स्क्वायर यूज करोगे। तो पाई के लिए होता है 22 बटे 7, आर के लिए हुआ 7 गुने 7, एक साथ से एक साथ खत्म, 22 सते 154 हो जाएगा, ठीक है। 154 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपका ये। क्लियर है इतना, 154 स्क्वायर यूनिट। अब चलो ये तो कंप्लीट हो गया आपका सर्कल के लिए। यहाँ पर मैं दो डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि इधर तक ये बाउंड्री जो है आपका सर्कल के लिए और उधर है आपका सेमी सर्कल के लिए। सेम प्रोसेस अगर ये भी रहे कि 7 इधर रहे तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कि 22 बटे 7 रखोगे आप, ठीक है। एंड सॉरी यहाँ पर मैंने एक छोड़ दिया है, आपको पूरा करना है इसमें तो 36 बटे 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, 2 और जुड़ जाएगा। सेमी सर्कल जो फीचर होता है वो ऐसे होता है, कुछ ऐसे यहाँ पे आर प्लस आर और ये होता है आपका पाई आर, तो सब कंबाइंड रूप से जुड़ जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे, मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको, सब फॉर्मूला का मैंने वीडियो बना रखा है, सर्कल से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें मैंने इसको वीडियो बना कर रख दिया है, आप वहाँ जाकर समझ सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36 बटे 7 और रेडियस आपका दे रखा है 7, तो 7 से 7 खत्म, ले देंगे कितना बचेगा 36। तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्या कर दूँ, 36 लिख देता हूँ एक ही बार में, बस आपको एक टेबल याद करवाना है मुझे। एंड एरिया कितना होगा, एरिया जो दे रखा है आपका 154, इसका डायरेक्टली क्या करो, हाफ कर दो, हाफ कर दो, साफ मत करना इसको, तो 77, ठीक है। 154 का था कितना हो जाएगा बच्चों, 77। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं, एक बार फिर से समझ लो कि अगर रेडियस अगर 7 दे रखा है तो आपका 14 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 77 हो जाएगा। इतना समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है इतना। अब चलिए मान लीजिए कि रेडियस को क्या कर दिया जाए, 14 कर दिया जाए, 14 यूनिट कर दिया जाए, डायरेक्टली डबल। आप देखोगे पेपर में कि रेडियस को ज़्यादातर क्या कहता है, 7 नहीं तो 14, 21, 28 ये दे रखा होता है, 21 वगैरह ऐसे दे रखा होता है। तो यहाँ पे बात समझते हैं कि अगर ये ट्वाइस किया गया है, अगर ये ट्वाइस किया गया है, रेडियस को अगर ट्वाइस कर दिया गया है, तो सिंपली क्या समझ लो कि डायमीटर भी ट्वाइस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, बस ये जो होगा ना ट्वाइस का स्क्वायर हो जाएगा, इन दो का स्क्वायर करके 4 गुना हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, सिर्फ एरिया में चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, क्लियर समझ रहे हैं बात है। इसका करोगे तो एक्चुअली में सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ट्वाइस हो रहे हैं, ट्वाइस हो रहे हैं, ये भी आपका ट्वाइस जा रहा है, जबकि ये जो है आपका ट्वाइस तो जाएगा लेकिन इसका स्क्वायर यानी कि 4 टाइम चला जाएगा। इस बात को आप गौर कीजिएगा, 154 में 400 गुना कीजिएगा, 616 आ जाएगा आपका, क्लियर बात समझ गए हो इतना। अब बात करते हैं इधर आपका परिधि के लिए, तो इसका भी ट्वाइस, सिर्फ एरिया में आपका ट्वाइस का स्क्वायर जाएगा, तो आपका 72 हो जाएगा। इसका क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 400 गुना करोगे, तो जब यहाँ पे 400 गुना करोगे तो 700 का 28 हासिल कितना गया, 2 और ये 28 है 2 30, यानी डायरेक्टली कह सकते हो अगर ये चीज़ याद है तो इसका क्या किया गया, हाफ कर दिया गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये था, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिया गया, 616 का आधा 308 होता है, इतना बात समझ गए। तीसरी बात समझ लो यहाँ पे कि अगर इसी चीज़ का थ्राइस कर दिया जाए, थ्राइस कर दिया जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 21। अगर रेडियस 21 हो गया है तो इसका भी थ्राइस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये चीज़ आपका ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है, 42 थ्राइस कर दो, यहाँ भी थ्राइस कर लोगे आप इसको ऐसे। बस आपको ये याद रखना है कि 7 है, 14 है, 44 है, 154 है, 36 है, 77 है, अगर ये याद है आपको तो इसका मतलब सारे के सारे चीज़ याद हो जाएंगी, कुछ भी पूछेगा आप पोर्टली बना लोगे, उसके साथ साथ मैं और इसका बेनिफिट बताऊंगा भी, बने रहिए बस। इसका थ्राइस कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 3 12
132, 132 यहाँ पे कितना करना पड़ेगा आपको, ये आपका 3 तो जाएगा लेकिन 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 चौका 36 हासिल किया कितना, 3 135, 135 और 3 138 चला जाएगा। इसका अगर 3 टाइम करोगे आप यहाँ पे 3 टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा 108, 3 टाइम करोगे तो 108। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो अगर इसका याद है 1386 अगर याद है तो इसका डायरेक्टली क्या करोगे, हाफ करोगे, और नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 3 का स्क्वायर 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 सत्य 63 का 3 गया हासिल 6, 63 और 6 69। देखो इसका आधा है ना, गौर से देखोगे मिल जाएगा आपको, ये भी इसका आधा हो जाएगा, समझ गए बात। जस्ट इसी के वाइस वर्सा में चलोगे कि आप इसका हाफ कर दो, ठीक है, क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, यानी कई बार दे देता है आपको 3.5 देता है। सपोज किसी सर्कल का रेडियस 3.5 है तो उसका एरिया बता दीजिए कैसा होता है, या फिर सपोज मान लीजिए कि एरिया ना बता के सर्कमफ्रेंस पूछ देता है तो उस टाइम आप क्या करिएगा। तो अगर रेडियस को अगर हाफ कर दिया गया है यानी 7/2 कर दिया गया है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 14 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपका, 1/2 होने का मतलब कि 22 का आधा कितना हो जाएगा, 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका, समझ रहे हो बात। इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आधा करने का मतलब कि जब इसका हाफ करेंगे तो हाफ का एक्चुअली क्या होगा, ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, हाफ का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एरिया का बात है। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 154 का 4 से भाग लगाना पड़ेगा तो 38.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर करके दिखा दूँ, यहाँ तक दिख रहा है कहीं पर क्या, यहीं दिखा दूँ, इतना दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, 4 से भाग लगाना। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसका वैल्यू याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। तो आपका 3 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, है ना, 4 3 12 का 3, 3 पर गया 4, 8 चौका 32, 2 बचेगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 38.5 आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। बात समझ रहे हो, इस चीज़ को बस आपको याद रखना है, एक याद रहेगा सबको, बस गुना करके तुरंत निकाल लोगे और ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ करना पड़ेगा। तो 18 है, 36 अधिक कितना हो जाएगा बच्चों, 18। इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर यू समझ लो कि इसका आधा कर दो आप, 38 का आधा करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा, 19.25 आ जाएगा, 19.25 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे और बात करें कि 1/4 कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, 1/4 कर दिया गया, यानी कि 7 का और आधा कर दिया गया, फोर्थ कर दिया गया, रेडियस कितना हो गया, 7/4 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा आपको, यानी कि 14 का कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 3.5 इसके लिए, और इसका जब हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.25 जाएगा ना, एक बार देख लो जरा, इसका ही आधा कर देते हैं और तो एक जाएगा, हाँ शायद चले जाएगा, मैं भाग लगा के देख लूँ, यहाँ पे 4 से गया 1, हाँ 7.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.75, क्लियर है। 350 का आधा 175, क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो चुका है आपका, इसका भी करना पड़ेगा मुझे 1/4। अब 1/4 करेंगे तो आपका दिख रहा है कि 44 का 1/4 यानी कि 11 हो जाएगा, या फिर यूँ समझ लो कि इसका आधा कर रहे हैं, ठीक है, इसका आधा कर रहे हैं हम लोग, 1/4 पर चल रहे हैं ना, 1/3 पर तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1/3 पर नहीं चल रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली 1/4 पर चल रहे हैं, तो आपका 11, क्लियर बात। क्योंकि इसमें ऐसा ही पूछता है, 1/4 करके पूछेगा, अगर इससे आप ट्वाइस थ्राइस कर सकता है लेकिन इसके पीछे की तरफ चलेगा तो आपको हाफ करेगा या फिर 1/4 करेगा, ऐसे करेगा, 1/3 नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो इसी सिमिलरली यहाँ पर चलेगा कि 154 का हम लोग 1/4 करेंगे, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1/16 से भाग करना पड़ेगा, यानी लिख सकते हो आप इसको ऐसे ही कि 154 डिवाइड में 16, या फिर यूँ कर सकते हो कि 28.5 का आप उसको और आधा कर दोगे तो हो जाएगा काम आपका, 38.5 का। अब यहाँ पे बात करें, इसका भी करना पड़ेगा आपको 1/4, सर्कमफ्रेंस में कोई दिक्कत नहीं, बस एरिया में आपको स्क्वायर करके लिखना पड़ता है। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, और 9, 36 का आधा का आधा 9, यानी कि 38 का आधा कर दिया गया 9। सिमिलरली अब यहाँ पर भी वही बात, 77 डिवाइड में 16 करना पड़ेगा, या फिर समझ लो कि 19.25 का फोर्थ से भाग लगा करना पड़ेगा,
इतना बात अगर आप समझ गए हो तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आप इजी से बना सकते हो। आपको बस क्या करना कि ये वाला फॉर्मेट जो है आपका, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है बस बीच का, क्योंकि ज़्यादातर साथ से ही क्वेश्चन बनता है, पेपर में अक्सर साथ से ही बना के पूछा जाता है आप लोगों से, बस ये आप याद रखना। सपोज मान लीजिए आपसे पूछ दिया, अब इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है मैं बताता हूँ आपको। सपोज मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44 है तो उसका डायमीटर कितना होगा। आप सोचने लगोगे कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44 है डायमीटर कितना होगा, पूरा दिमाग दौड़ाओगे, नहीं होगा लिखोगे भी। मैं चाहता हूँ वैसे मत करो, आप बस एक चीज़ याद रखो, मेरे साथ समझो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44, तो 44 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, अगर ये 44 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा। आप जानते हो कि 44 कितना पे आता है, रेडियस 7 पे आता है, जैसे 7 रेडियस हो जाएगा इसका मतलब इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, ओरली मार लोगे आप। अब चलो कि सर्कल का एरिया अगर 154 दे रखा है, 154 दे रखा है तो इसका रेडियस कितना होगा। तो आप जानते हो कि 7 जब रेडियस रहता है तो कितना आता है, 154 आता है। चलिए अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि सर्कल का डायमीटर 14 है, किसी सर्कल का डायमीटर कितना है 14 है तो उसका एरिया कितना होगा, तो वहाँ पर आप ये मत करने लगा कि डायमीटर दे रखा 14 उसका रेडियस होगा हाफ, हाफ होगा तो फिर पाई आर स्क्वायर, उतना करोगे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बस ये टेबल याद रख लेना है, 154 हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए ऐसे कि सर्कल का रेडियस 7 दे रखा है तो उसका आपको क्या करना है, सेमी सर्कल निकाल के सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है आपको। तो सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो उसका सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। किसी सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो उसका सेमी सर्कल का एरिया बताना है। तो आपको याद है होना चाहिए कि अगर 7 है तो इसका 154 होता है, 154 का था कितना होता है 77। ऐसे याद कर लो, जरूरी नहीं कि सब चीज़ को लिखो, एक टेबल आपको याद करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लो, ट्वाइस हाफ कब हुआ है, आपको बस ध्यान देना है कि अगर रेडियस को जितना बार जितना टाइम बढ़ाओगे, जितना से इसमें गुना करोगे उसी अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस में सर्कमफ्रेंस में डायमीटर में सभी में हो जाएगा। बस ध्यान देना है कहाँ पे कि एरिया वाले केस में, कि एरिया वाले केस में अगर दुगुना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना करना पड़ेगा, अगर वहाँ पर 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुना करना पड़ेगा, सिर्फ एरिया के केस में आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर होता है ना आपका आर स्क्वायर, इसी स्क्वायर कारण ये सब तांडव हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लोगे सेमी सर्कल में भी आर स्क्वायर, इसी स्क्वायर का यहाँ पे भी तांडव हो रहा है। क्लियर बात इतना। और जो भी सर्कल का होता है आपका, अगर एक बार याद कर ली सर्कल का एरिया तो जस्ट इसका हाफ करके आपको क्या निकल जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन सर्कमफ्रेंस का सोचोगे कि इसका 22-44 दे रखा है, इसका हाफ करके मैं 22 ला दूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एरिया के केस में आप हाफ कर सकते हो, सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, लेकिन सर्कमफ्रेंस के केस में सेमी सर्कल का हाफ करके सेमी सर्कल आप निकाल नहीं सकते, उसमें आपको दोबारा रेडियस और जोड़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 36 का टेबल अगर आपको याद है, सपोज मान लिया जाए 36 का जिसको भी पहाड़ा याद है, सपोज उसे कह दिया जाए कि बताइए भाई कि अगर किसी सर्कल का सेमी सर्कल का, गौर सुनिएगा कि सर्कल किसी सेमी सर्कल का, मैं लिख भी दूँ क्या, नहीं लिखूंगा तो नहीं मैं, अगर किसी सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 180 दे रखा है तो उसका रेडियस कितना होगा। तो आपको ध्यान में तुरंत आना जाना चाहिए कि सेमी सर्कल का होता है कितना, 36 कब होता है, जब उसका रेडियस 7 होता है। अगर इसका 5 गुना कर दिया गया 180 लाने के लिए, 36 पर होता है 180, अगर टेबल याद है तुरंत कर लोगे, तो 180 का अगर सर्कमफ्रेंस है तो 36 में 5 से गुना किया गया होगा, तो हमें रेडियस पूछा गया है, तो इसका मतलब 7 पे होता है 36। इस बात को मैं कहीं पर लिख के समझा दूँ, यहाँ पर दिख जाएगा आपको ना, यहाँ तक दिख जाएगा आपको कि 36 जब होता है तो इसका रेडियस कितना होता है 7। तो अगर आपसे 180 पूछ दिया गया तो कितना टाइम गुना किया गया, 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ये बात को ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते हो कि 35 हो जाएगा। सिमिलरली अगर पूछ दिया आपसे, चलिए भाई कि बताइए कि सेमी सर्कल का एरिया अगर 77 दे रखा है, कितना दे रखा है 77, तो बताओ तो कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, या फिर सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो आप कितना याद रखना है। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सेमी सर्कल का रेडियस दे रखा है 77, ठीक है, कि सेमी सर्कल का रेडियस दे रखा है 77, तो उस सर्कल को कंप्लीट करने के बाद, या फिर से पूछ लो कि सेमी सर्कल रेडियस दे रखा है 77, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो 36। आपको बस ई वाला लाइन याद करना है, इसी के मल्टीपल में सब दे रखा है। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये लाइव क्लास होता तो और मज़ा आता, आप लोगों से कमेंट पढ़ता मैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि चलिए बताइए भाई कि किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 88, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा, आप बताओ। सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएंगे 88 दे रखा है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा,
616, ठीक है, 616 हो जाएगा। कि सर्कल का मान लीजिए कि सर्कमफ्रेंस दे रखा है 132, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप ऐसे तुरंत ओरली कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें और मैं कितना बताऊँ, आप समझ गए कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है। अगर इसका कर पाओगे आप, तो बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन में जितने भी आप जानते हो, कोनिक आता है आपका, कोन आता है, सिलेंडर आता है, सेक्टर आता है, सेजमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ में ना आप इसको ओरली लगा सकते हो, ठीक है। और समय समय के साथ जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन बनता है, उसमें सबके इस सबके सब हेल्प करते हैं। और एक बात इसमें लिखिए कि 7 का मैंने क्यों यूज किया, आप कितना भी पेपर देख लो, सभी में देखोगे तो रेडियस कितना रहता है, 7 के मल्टीपल में दे रखा होता है। आप गौर करके देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। अगर वीडियो को देख रहे हो तो पक्का समझ में आएगा कि ये टेबल आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। बस एक बार इसको लिख लो, उसके बाद मल्टीपल करके चेंज कर सकते हो। कुछ वैल्यू का आप याद कर लोगे तो आपको ओरली से हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो मुझे जो काम था समझाना, आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड, जिसमें रेशियो के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन देता है कि रेशियो को अगर मान लीजिए कि किसी सर्कल का और दूसरे सर्कल का रेशियो जो है समथिंग समथिंग रेशियो में दे रखा है, तो उसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैसा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टीटी एंड सी यू।